नमस्कार, मी मंजिरी. एमव्हीटीव्हीच्या बातमीपत्रात आपलं सगळ्यांचं स्वागत. बातम्यांना सुरुवात करतोय, पण तत्पूर्वी एक नजर टाकूया अर्थातच आजच्या हेडलाईन्सवर. आमदार आपल्या दारी अंतर्गत आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी साधला एनआरआय कॉम्प्लेक्स मधील रहिवासियांशी संवाद. संबंधितांनी मांडल्या आपल्या समस्या. आमदार आपल्या दारी या अंतर्गत आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी रविवारी एनआरआय कॉम्प्लेक्स मध्ये रहिवासियांच्या समस्या जाणल्या. त्यांना फ्रीहोल्ड घरांबाबत माहिती दिली, तसंच पाण्याचा अपव्यय टाळा आणि सोलरचा वापर जास्तीत जास्त प्रमाणात करा हे सांगत संबंधितांच्या समस्या सोडवणार असल्याचं वक्तव्य आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी केलेलं आहे. बेलापूरचं लाडकं व्यक्तिमत्व आमदार मंदा म्हात्रे सदैव तत्पर असतात सामान्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी. त्यांची विशेषता म्हणजे त्या स्वतः सामान्यांच्या भेटीला जातात व त्यांच्या समस्या जाणून त्यावर योग्य उपाययोजना करतात. याच अंतर्गत रविवारी 23 एप्रिल रोजी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी आमदार आपल्या दारी या उपक्रमाअंतर्गत एनआरआय कॉम्प्लेक्सला भेट दिली. तेथील सामान्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समस्या जाणून घेतल्या. दरम्यान उपस्थित मान्यवर पदाधिकाऱ्यांनी आमदार मंदाताईंचं पुष्पगुच्छाद्वारे स्वागत केलं. यावेळी सामान्यांनी आपल्या चर्चेद्वारे आपल्या समस्यांना वाचा फोडली. यात त्यांच्या मूलभूत समस्या होत्याच, पण त्यात शाळा प्रवेश प्रक्रिया हा मुद्दा महत्वाचा होता. यावेळी नागरिकांनी आपापल्या समस्या त्यांच्या पुढे मांडल्या. तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि हमारी एमएलए हमारे बीच में खुद मौजूद हैं, चल के आती हैं. क्या हमने कभी उन्हें इनवाइट किया है? क्या आप लोगों ने कभी बोला है? नहीं. व्हाट्सएप से बाहर आइए प्लीज. इट हैज बीन ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 2 इयर्स दैट मंदाताई हैज बीन इलेक्टेड एज एमएलए एंड वी हैव सेवरल ओकेशंस वी हैव सीन हर बीइंग प्रेजेंट हियर इन वन और द अदर वे एंड हेल्पिंग. शी हैज लॉट ऑफ lot of credentials in her work which I would like to highlight in this meeting. First of all, she was instrumental in getting clear title for the displaced people of Khupshik Gaon, sector 14 Nerul, which can be redeveloped now. They are thinking of redeveloping. Tai was able to get nod for redevelopment of police personal housing in Belapur. As a result, about 324 new houses will be presented to our police force. In fact, who work in adverse conditions, you know, police people, day and night they work. In fact, they are really having a lot of hardship. And Tai has been able to get, really a good thing for them. And no doubt, the FSI issue, no doubt it is long pending, but it has been achieved during the Tai's tenure. We should not forget it. And she is also trying to develop sector 15 CBD marine area for water transport, which will certainly boost profile of Navi Mumbai. It will have a lot of recreational facilities as well. We are going to really enjoy it in the near future. And she is trying to retain heritage of Killa Gautam. See, today a lot of heritage places are there and it is being neglected, and she is trying to retain the heritage of those places where we can really have a proud of. And last but not least, you see, when there was a fire incident in phase 2, she was the first person to be here to support us, and we all know that, and we shouldn't forget it. And we are going to do it to help us, and this is really a golden opportunity for all of us to come forward and to support us. And also, apart from this, we might be having a lot of grievances, and this is a golden opportunity to express our grievances, and whatever to best of her ability, she will try to help. So without taking much of your time, I would like to thank all of you to be here, and I would like to thank all of them to be here, and thank you very much. And Sweta bhai, Samir bhai, aur sabhi mere bhai aur behno, अभी 2.5 साल हुआ ताई चुनके आ गई. 2.5 साल में चौथी बार कॉम्प्लेक्स में ताई आ गई. ताई सुख में भी थी, दुख में भी ताई थी. हमारा इधर जब भी फायर हुआ था तभी ताई 12 बजे तक बैठी थी. रात को दो बजे तक ताई बैठी थी. तो हमारे दुख में भी ताई हमारे साथ है. सुख में तो है ही, लेकिन दुख में भी ताई हमारे ऑलवेज हमारे साथ है. मैं हमेशा ताई से बात करता हूँ. कोई प्रॉब्लम होगा तो ताई से फ़ोन करता हूँ. ताई के घर जाता हूँ, ऑफिस में जाता. मेरी बहन श्वेता मैडम ने कहा कि हमारी जो समस्या है कि हाल ना होने वाले हैं.
मुझे मालूम है कौन सा भी समस्या है इसका हाल नहीं निकलता है, हर समस्या का हाल है। आपको मालूम होगा कि मैं यहाँ का पीएपीए से बिलोंग करता हूँ, प्राइवेट अफिलिएटेड पर्सन हूँ। जो पहले शासक थे उन्होंने तीन चार इलेक्शन ये पीएपी लोगों के जो मकान थे रेगुलर करने के लिए तीन चार इलेक्शन वही मुद्दे पे लड़े थे और वो जीते थे भाई, चार इलेक्शन हो गए। लेकिन दाई ने फर्स्ट बार जो कहा कि पीएपी के लोग हैं जो 1970 में उनके लैंड एक्वायर हुई थी, उनके मकान उनको घर का टाइटल नहीं था, वो ताई ने वादा किया था इलेक्शन में, वो ताई ने वादा पूरा किया 2015 के 15 तक जो पीएपी लोगों के मकान थे वो रेगुलर कर दिए। तो खाली ताई अब पूरा महाराष्ट्र का इसमें इस बहाने पूरा महाराष्ट्र का जो इलीगल स्ट्रक्चर था बेचारे गरीब लोगों का वो पॉलिसी बन गई। लेकिन पहले शासक थे तीन चार इलेक्शन वही मुद्दा था, हम देखते थे मुद्दा एक ही था कि पीएपी का रेगुलर करना है और मुद्दे पे लोग चुनाव में वोट लेते थे, लोग जीतते थे, ये चलता था। अभी जमाना बहुत चेंज हो गया है। ताई जो कहती है नरेंद्र भाई मोदी जो कहते हैं देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं वो जो करते हैं जो कहते हैं वो करते हैं। यहाँ का प्रॉब्लम ताई ऐसा है कि जो लैंड है हम तो मकान के मालिक है, लैंड हमारे पास नहीं है। हमारा खाली मकान हमारा 1100 1500 2000 स्क्वेयर फुट जितना मकान है उसके हम मालिक है। आपने पूरा एग्रीमेंट पढ़ा होगा उसमें सिडकों ने बहुत होशियारी से प्लॉट नंबर भी नहीं लिखा, एक प्लॉट नंबर पूरा कॉम्प्लेक्स के फेज वन फेज टू और फेज थ्री का प्लॉट नंबर वन है। हम लोगों ने फेज टू के लोगों ने सिडको से करस्पॉन्डेंस किया है कि हमको कन्विंस दे दो, अल्टीमेटली यू आर द बिल्डर अंडर मोफा एक्ट, इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द बिल्डर टू कन्वे द प्रॉपर्टी इमीडिएटली आफ्टर फॉर्मिंग द सोसाइटी विद इन 3 मंथ्स। लेकिन सिडको ने जॉब दे के बैठे है कि उनका और फेज वन का एक केस चालू है, बजाज अंकल को मालूम है वो केस सालों से चालू है एंड देर इज ए इंजंक्शन इन द सेड मैटर, इसलिए हम आपके फेवर में वो प्रॉपर्टी कन्वे नहीं कर सकते। अब जब तक प्रॉपर्टी कन्वे नहीं हो सकता है तब हम कुछ नहीं कर सकते है। यहाँ ताई मुद्दा ये है कि हमारा क्लब हाउस हमारे पास नहीं है, क्लब हाउस के बारे में भी सिडको ने लिख के दिया कि हम आपको पूरा फर्निश क्लब हाउस देंगे लेकिन वहां भी हमारा चुटी हुआ है। हम चाहते हैं कि क्लब हाउस हम चलाए लेकिन सिडको उधर भी हमें मना कर दिए। लोग कहते हैं कि क्लब हाउस इतने सालों से क्यों नहीं मिल रहा है, कि सालों से हम डिमांड सिडको के पास कर रहे हैं। मैं खुद बहुत बार आलोक जी भी साथ गए, हमारे नीरज जी भी साथ गए, राजा बिस्के सब हम साथ में गए हैं, हम ज्वाइंट एमडी से मिले हैं, एमडी को मिले हैं मराठी, ये हमको हैंड ओवर नहीं किया। क्लब हाउस वैसा ही वैसा पड़ा है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं चलती है। ताई हमारी पूरी सोसाइटी की डिमांड है कि आपने कहा, मुझे भी आश्वासन आपने दिया है कि हम एमडी साहब के साथ एक मीटिंग लगाएंगे और ये जो क्लब हाउस का मुद्दा है ये हम पूरा करेंगे। सेकंड बात है ये पूरा 700 हमारे मकान है, एक गांव ही है इधर, इनके लिए हमको एक गार्डन है लेकिन प्ले ग्राउंड नहीं है, फेस थ्री खाली पड़ा है, हमें वो ग्राउंड मानता है। तो फेस थ्री में अभी वहां कोई मकान तो बनने वाले नहीं है, फेस थ्री में हमारा पार्ट है, उधर पत्र लगे हैं, वहां से स्नेक्स आते हैं सांप आते हैं, बच्चों उधर खेल नहीं सकते हैं। हमारी सोसाइटी एक मान है कि वह हमारा प्ले ग्राउंड बने, साफ सुथरा करके हम हमारे खर्चे से बनाएंगे लेकिन वह अच्छा प्ले ग्राउंड बने। बाजू में इस तरीके से सोसाइटी जो बनी थी जिसमें बदमाशी करके कोई लोगों ने सोसाइटी बनाई थी लेकिन सब्सिक्वेंटली कैंसिल हो गई, वहां हमें गार्डन मांगता है, वहां से भी स्नेक्स आते हैं, बहुत गंदा दिख रहा है सर, तय अपन जाऊ एकदम पहला बहुत शावी लगता है। वो पत्र हटा के हम गार्डन बनाएंगे, क्लब हाउस की मामला है, ऐसे बहुत से मामले हैं। तो मेरे ख्याल से मुद्दा वो है कि ऐसा क्यों, ये क्या कारण है कि एक सिडको जो कि गवर्नमेंट बॉडी होते हुए एक प्राइवेट बिल्डर की तरह बिहेव कर रही है, तो उसके आर्टिकल में कुछ प्रॉब्लम है या कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रॉब्लम है हमारे या लॉज में प्रॉब्लम है कि ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उस लेवल तक थोड़ा सोचना पड़ेगा, हमारी प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाए,
लेकिन बाकियों की प्रॉब्लम में अगर हम हेल्प कर सके तो उस लेवल पर सोचना पड़ेगा। तर यावेळी आमदार मंदाताईंनी यावर योग्य उपाययोजना करण्यात येईल असं सांगत आता सिडकोची घरे फ्री होल्ड होणार आहेत अशी महत्त्वाची माहिती दिली। तर सोलरचा वापर जास्तीत जास्त प्रमाणात करावा असं आवाहनही नागरिकांना त्यांनी केलं। तसेच सोलर संदर्भात सर्वेक्षणासाठी संबंधित देखील यावेळी उपस्थित होते। दरम्यान आमदार मंदा मात्रेंनी त्यांच्या समस्या जाणल्या व आपली प्रतिक्रिया दिली आहे। बातें आपसे करने के लिए आई हूं ताकि हम मिलके बात करें और हर समस्या का सोल्यूशन करें। इसके लिए प्रीति मैडम जी बैठी है, हमारे बेकर जी साहब है, अंकल जी है, मैडम ने जिन्होंने अच्छा सूत्र संचालन करके मेरे बारे में जो मालूम बताई, हमारे नगर सेवक दीपक पवार जी, सामने बैठे हुए सभी एसोसिएशन के भाई और बहनों। बात ऐसी है कि मैं जब चुनाव के लिए खड़ी थी तो इस एसोसिएशन से मुझे 100% वोट गिरे थे और मैंने मेरा जो जाहिरनामा बनाया था उसमें दो ही सब्जेक्ट ज़्यादा हाईलाइट किए थे कि जो 15-20 साल से लोगों को उसकी तकलीफ हो रही थी। एक तो जिन्होंने ये अपनी लैंड दी है और ये नवी मुंबई शहर बसाया है, उन्होंने अपने घर बढ़ाए थे ताकि बच्चा हुआ, बच्चे का बच्चा हुआ, और अपने खेती में अपने ज़मीन में बनाए थे, उनके घर पक्के करके देना। और दूसरी ये जो ज़मीन है, जो ज़मीन पर हम लोग आज फ्लैट लेके रह रहे हैं, मैं भी 28 साल सिडकों के फ्लैट में एफ टाइप में रहती थी, तो ये अपने 60 साल के लीज पर दी हुई है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हम तो कितना साल जिएंगे, 60 साल तो नहीं जी सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारी उम्र 30-40 साल जब हमने फ्लैट लिया तब हो चुकी थी। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये 20 साल 30 साल 60 साल जो है वो आगे चल कर फिर बोलेंगे अभी आपको वापस रिन्यू करना है, ये करना है, वो करना है, ये स्टैम्प ड्यूटी भरो, वो पैसा भरो, ये सब सिडकों का चलते रहेगा। उस टाइम मैंने सोचा कि अगर इलेक्शन में हम ये मुद्दा लेंगे कि हम हमारी ज़मीन जो है सोसाइटी की वो उनको फ्री लैंड कर देंगे तो 9 बजे की बात सिडकों की, 9 बजे की बासरी, और हमारी लैंड हमारे अगर हाथ में आएगी तो ये जो अभी आपका जो बताया आपने मुद्दा जो नहीं ये हाउस कसला क्लब हाउस ये आपका हो जाएगा। अभी आपके एरिया के अंदर जितनी जमीन है वो सब आपकी सोसाइटी की हो जाएगी। और इसलिए मैंने क्या किया, पहले दिन से काफ़ी सीएम से मीटिंग, यूडी सेक्रेटरी से मीटिंग, सिडको एमडीए से सब लेके मीटिंग करके मैंने 80% काम ये आपकी सोसाइटी के नाम पर ये जमीन होगी, फिर आपको जो भी स्टैम्प ड्यूटी देनी है एग्रीमेंट के लिए कुछ भी सिडको से आपका संबंध नहीं रहेगा। हाँ एकदम। और दूसरी बात है 65,000 घर हमारे नवी मुंबई में सिडकों के हैं, फिर कलबोली है, खंदा है, उरण है, यही पॉलिसी सब जगह लगेगी। जब पॉलिसी बनती है तो कोई एक घर के लिए एक सोसाइटी के लिए नहीं बनती, और पॉलिसी बनाने में टाइम जाता है। एमएलए का काम क्या होता है, वाटर मीटर गटर ये कॉरपोरेटर का काम होता है, और पॉलिसी बनाना लोगों को एक साथ काम करके देना ये एमएलए का काम होता है, और जब देश की पॉलिसी बनती है तब एमपी का काम होता है। मगर आज क्या होता है, वाटर मीटर गटर के लिए भी लोग एमएलए के पास आते हैं, जैसे आपने बताया फेसबुक पे काफ़ी काम जो है ये वाटर मीटर गटर के ही है, फिर भी हम कर लेते हैं क्योंकि हम किसी को नाराज नहीं करते। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इधर ये जो एडमिशन की है, सबसे ज़्यादा न्यू बॉम्बे में मैं अभी काम कर रही हूँ 25 साल से, मगर जब एडमिशन के लिए कोई आता है तो उससे काफ़ी दिक्कत होती है, ये स्कूल जो है सब स्कूल एडमिशन देती नहीं, कोई अपना यहाँ पर बाहर गांव से आता है, कोई के बच्चे 4th क्लास में 5th क्लास में 7th क्लास में ऐसे लोग आते हैं तो हमको बहुत दिक्कत होती है। मगर फिर भी हम हमारे पेशेंट से उनको कन्विंस करते हैं, चाहे एक महीना लेट दो, मगर सबसे ज़्यादा न्यू बॉम्बे में प्रॉब्लम एक ही है मेरे को जो लग रही है, बाकी की प्रॉब्लम मैं मेरे हिसाब से सॉल्व कर लेती हूँ एडमिशन की है। मगर आपके यहाँ से आज तक मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं हुई है, कोई मुझे बताया नहीं कि हमारे लिए कुछ करो। जब मैं एमडी के सामने बैठी थी, पॉलिसी बन रही थी, तो मैंने पूछा पहली बार कि एनआरए कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, उसको आप किस तरीके से फ्री करोगे या पैसा लोगे, मुझे जब लोगों के सामने जाना है तो मुझे कुछ आइडिया होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हम सभी जगह सिडकों ने जितने भी घर जहाँ भी